और मरण दे दुख दे बदलता है। जवानी सुख सही पर बुढ़ेपे दे दुख दे बदलती है। जब लग जरा रोग नहीं आया बुढ़ेपे नु ते रोग कह देना। वो बहु इसी तरीके दे नाल ऐसा समझ लो सुख दुख दे बदलता है। आनंद केवल आनंद ही है, उदे विपरीत उदे मुखालफ उदे मुकाबले की दूजी अवस्था नहीं। सुख दे मुखालफ अवस्था है दुख, आनंद दे विपरीत आनंद दे मुखालफ आनंद दे अपोजिट कोई दूसरे हालात नहीं है, कोई दूजी अवस्था नहीं है। और दूजा नुक्ता ध्यान नाल सुनना, सुख पदार्थ तो मिलता है, आनंद परमात्मा तो मिलता है। शरीर नो कोई भी सुख चाहिदा है पदार्थ तो मिलेगा, और पदार्थ बाहरों मिलेगा, अंदरों कुछ भी नहीं लगना। सुख पदार्थ तो मिलेगा, पदार्थ दे अनेका रूप ने, पदार्थ अनेका परिवार का है। सुख पदार्थ तो मिलेगा, आनंद परमात्मा तो मिलेगा। पदार्थ बाहरों मिलेंगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। जो अपने अंदर पदार्थ नूं लभण की कोशिश करे परम दिच है भुलेखे दिच है। जो बाहर परमात्मा नूं लभण की कोशिश करे गुरबाणी कहती है बाहर टोले सो भरम बुलाए, भरम देचे भुलेखे देचे। ओ मनुख भी भरम देचे भुलेखे देचे जो पदार्थ अंदरों लभे, ओ भी भरम देचे भुलेखे देचे जो परमात्मा नूं बाहरों लभे। बाबा फरीद इथे तक कहते ने जंगल जंगल क्या भावे वन कंडा मोड़े, परमात्मा तेरे की मुंह लगना है तेरे मुंह कंडे ही लगना है। वन कंडा मोड़े वसी रब ही आली है जंगल क्या ढूंढे। एक दूजा नुक्ता भी सुन लेना, इहदा इह मतलब नहीं कि बाहर परमात्मा नहीं है, बाहर भीतर एको जानो ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म की काई। जद अंदर है तो अंदर ना बहुत नेड़े है, जद नेड़े तो ही नहीं लभिया ते दूर तो की खाक लभेगा। जद नेड़े तो ही प्राप्ति नहीं हुई तो फिर दूर तो किस तरह प्राप्त हो। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुराए। हुण मैं इसनों दोहरा के फिर बयान कर दिया, जो अंदरों पदार्थ लभण की कोशिश करे, सोना लभना है चांदी लभनी है हीरे लभने ने मोती लभने ने, अन्न लभना है धन लभना है और सारे संबंध लभने ने, अंदरों नहीं लभण बाहरों लभण। परमात्मा लभना है। एक होर नुक्ता भी ध्यान कर दिया रह ना जाए, पदार्थ लभना पेगा परमात्मा नूं लभण की लोड़ नहीं, सिर्फ अंदर जाना पेगा। वो तो मिले आया हो सकता है सोना मिलिया नहीं लभना पैना, हीरा है नहीं कोल लभना पैना, मोती है नहीं कोल लभना पैना, धन है नहीं लभना पैना, सुंदर मकान कोल है नहीं बनाना पैना लभना पैना।
घर जाना पैंदा है। शरीर नूं सुख मिलदा है पदार्थ नाल, पदार्थ मिलदे ने बाहरों। मन नूं आनंद मिलदा है परमात्मा नाल, पर कीता की जाए परमात्मा घर दे च है, मन घर दे च नहीं है। मन घर दे च इस वास्ते गुरबाणी आवाज मार दी है, मेरे मन परदेसी रे प्यारे आओ बस तू सिर्फ कर दे चा। प्रभु ते मिले हुए आनंद ते मिले हुए, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बोलाए। पदार्थ सारे मिले हुए नहीं, रोज रोज लभने पैंदे। धन जितना चाहिदा है नहीं, लभना पैंदा है। और जितने चिर तक लभना पैंदा है उन्ने चिर तक समझ लो लोड़ है या भुख है। और मैं ये भी अर्ज करा, जितने चिर तक शरीर जिंदा है भुख रहेगी, भुख नहीं मिट। भोजन छके भुख मिट गई है, शामी फिर भुख लगेगी। शामी छके भुख मिट गई है, सवेरे फिर लगे। धन मिले है और भुख पैदा होगी, पदार्थ मिले ने और भुख पैदा होगी, प्रभुता मिली है और भुख पैदा होगी। पर मैं करा एक दफा मन घर दे च आ जाए, मन दिया सारिया ही भुखा मिट जांदियां ने, क्योंकि घर दे च सब कुछ है। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए, सारिया भुखा शांत हो गई। जो मैं अर्ज कर रहे हैं भरोसा नहीं बजता, चंगिया चंगिया का नहीं बजता। दरअसल कुछ सच्चाई कबूल कर लेंदे ने, कुछ नहीं। 40-40 साल तो आ रहे सत्संगी भी कह देने ने, कहने जी की करी भरोसा ही नहीं बचता कि सब कुछ घर दे च है। भरोसा क्यों नहीं बचता? अजे तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं मनिया कि अंदर आनंद है, महान खेड़ा है, महान खुशी है, महान रस है, महान सुहप्पण है। किसी चोटी दे साइंटिस्ट ने नहीं मनिया। मनुख जीवन बतीत कर रहा है विज्ञान नो आधार बना के, ज्ञान नो आधार बना के नहीं, साइंस नो आधार बना के, परमात्मा नो आधार बना के नहीं। और जितना मनुख दा साइंस ते भरोसा वधदा गया उतना ही परमात्मा ते भरोसा हटदा। साइंस विज्ञान की है? पदार्थ नु अपने अनुकूल करना। हवा गर्म है, ये नहीं चाहिदी, इनू ठंडा करना। वाता अनुकूल, एयर कंडीशन करनी। जिस ढंग की हवा शरीर नु चाहिदी वैसी करनी। पानी बहुत ठंडा है, नहाना औखा है, इनू गर्म करना। पदार्थ नू अपने अनुकूल करना। लोहा है, जेड़ा रूप मैनू इसका चाहिदा मैं वो इसका बनाना है। लोहे को तरह तरह दिया मनुख ने मशीना बनाईया, औजार बनाए ने, सब्जी कटन ले चाकू बनाए ने। लोहा प्रकृति ने बनाया, चाकू मनुख ने बनाया। लोहा प्रकृति ने बनाया, तरह तरह की मशीनरी मनुख ने बनाई। यानी मनुख कह रहे है प्रकृति जिस तरह का तू लोहा बनाया इस तरह का नहीं चाहिदा, जिस तरह का मेनू चाहिदा मैं इहदा रूप ओ बनाना। मनुख ने सोने नू, चांदी नू, पितल नू, तांबे नू और लोहे नू, मिट्टी नू अपने
अपने अनुकूल कीता, हवा नू अपने अनुकूल कीता। सुभाव पानी दा यही है निमान की तरफ वगना, पर मैं रहिंदा पिया चौथी पंजवी मंजिल ते, मैनू उपर पानी चाहिदा है। भावे सुभाव पानी दा प्रकृति ने बनाया निवान की तरफ चल, मैं ते सौवी मंजिल ते भी पहुंचा दिता है, मैनू उत्थे चाहिदा है। वगदा होवेगा निवान की तरफ, मैनू चढ़ाइया ते चढ़ना। प्रकृति विच पदार्थ नू अपने अनुकूल ना कीता जाए तो जिहो जिहां दा शरीर नू सुख चाहिदा है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान नाल सुनना, कोई भी पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है वो तो मैनू सुख नहीं दे सकता, कतई नहीं दे सकता। पत्थर नो मनुख ने घड़ के अपने अनुकूल बनाया, जिस तरह का चाहिदा है वैसा मैं इस नो रूप देना है। लोहे नो, पित्तल नो, तांबे नो, मिट्टी नो, हवा नो, पानी नो, और हथा के अग्नि नो। अग तो जो कुछ मैनू चाहिदा है मैं वह बनाना है, मैं उदी वरतों उस तरह करनी है। सब कुछ चला के भसम कर देती है, और मनुख इस अगन बहुत कुछ तामीरी काम कर रहे हैं। विज्ञान खड़ा है इस ते पदार्थ नू अपने अनुकूल करना, इसे तो सुख मिलेगा वरना नहीं मिल सकता। पदार्थ बार ने, अंदर ते कुछ भी नहीं, ना अंदरों लोहा लभदा है, ना सोना लभदा है, ना चांदी लभदी है, ना धन लभदा है, ना अन्न लभदा है, ना परिवार लभदा है, ना महल माड़ियां लभदियां, कुछ भी नहीं लभदा अंदर ते कुछ भी नहीं, ये सब कुछ बाहर है। चूंकि तन दे सारे सुख बाहर पए ने, और सुख भी उदो मिलता है जब पदार्थ नू अपने अनुकूल करिए, नहीं तो नहीं मिलता। जिहड़ा मन है इनू आनंद उस वक्त मिलता है जब यह अपने आप नू परमात्मा दे अनुकूल करे। उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए, पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं जैसा मैनू चाहिदा है, मैनू शरीरक सुख नहीं मिल सकता। जैसा परमात्मा है वैसा मैं अपने मन नू बनाया नहीं, परमात्मा दे अनुकूल कीता नहीं, मैनू आनंद नहीं मिलेगा। तो शरीर नू सुख मिलता जाएगा, मन रोंदा जाएगा। शरीर नू सुख मिलता जाएगा, मन दुखी होवेगा, कलेश दे चवेगा। शरीर नू सारे सुख मिलते जाणगे, मन कलेश दे नाल भरदा रहेगा। हुण मैं अर्ज करा, बहुत वड्डे सुखी मनुख जो तन दे तलते ने, मन दे तलते उतने ही दुखी, उतने ही दुखी। महाराज कहंदे ने, बड़े बड़े जो दीसे लो तो वड्डा होना किस तरह ना पोगे। महाराज कह रहे हैं, बड़े बड़े जो दीसे लो, परिवार वड्डा होवेगा, धन संपदा वड्डी होवेगी, महल माड़ियां वड्डियां होणगियां, कारोबार वड्डा होवेगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत तादाद दे छाउणगे, ये सब कुछ वड्डा होवेगा। मनुख दी शरीरक वड्याई ते बाहर दी वड्याई इस ते खड़ी। अगर बाहरों सब कुछ वड्डा नहीं है, इनू शरीर दे तल ते वड्डा कहना औखा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मकान बहुत वड्डा है, इस वास्ते वड्डा लो, बड़े बड़े जो दीसे लो, धन संपदा बहुत ज्यादा है, महल माड़ियां बहुत उचियां ने, कारोबार बहुत ज्यादा है, परिवार बहुत वड्डा है,
ताकत बहुत वड्डी है, तो वड्डा है। और बड़े ध्यान नाल सुन लेना, तो मैं माफी भी मांग लेना। बाहरों जितने वड्डे मनुख ने, यकीन जानो अंदरों उतने ही छोटे ने, कुछ भी नहीं। बाहरों लखा देने, अंदरों कखा देने, कुछ भी नहीं, कुछ भी। बड़े बड़े जो दीसे लो, तिनको व्यापे चिंता रो। बाहरों लखां दे मनुख, अंदरों कखां दे। बाहरों बहुत वड्डे ने, बहुत छोटे ने, अंदरों बहुत छोटे ने। बाहरों मनुख वड्डा हो सकदा है, महल वड्डा है, कारोबार वड्डा है, धन संपदा वड्डी है, परिवार वड्डा है। अंदरों ते मनुख उस दिन वड्डा हो सकदा है जिस दिन सब तो वड्डा परमात्मा इस नूं प्राप्त हो जे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये भी मैं अर्ज करते इस वास्ते बहुत वड्डे वड्डे बाहरों लोकां नूं गुस्ताखी भाव, मैं अंदरों बड़ी गहराई नाल देखे, बड़े छोटे ने, कुछ भी, कुछ भी। कदी उन्हां दी गुफ्तगू सुन लेना, कदी उन्हां दी रोजमर्रा दी गल सुन लेना, अंदरों ते बहुत छोटे ने। अंदरों क्यों नहीं वड्डा होना चाहते, जदे वड्डा होना चाहते ने और बाहरों वड्याई लभदे ने, फिर की कारण है अंदरों क्यों छोटे ने? दरअसल इन्हां ने एक नुक्ता गलत समझदे ने। अज तक जो कुछ मिले है बारों मिले है, धन मिले है बारों मिले है, महल माड़िया मिलिया ने बारों मिली ने, इज्जत मान मर्यादा मिली है बारों मिली है, पदार्थ मिले ने बारों मिले ने, तो समझ लेने शायद परमात्मा भी मैच करते। इस वास्ते बहुत वड्डे वड्डे बाहरों लोकां नूं गुस्ताखी भाव, मैं अंदरों बड़ी गहराई नाल देखे, बड़े छोटे ने, कुछ भी, कुछ भी। कदी उन्हां दी गुफ्तगू सुन लेना, कदी उन्हां दी रोजमर्रा दी गल सुन लेना।